Donc viens là. आप सब ने माना की धरती पर जो भी जिसमें जितना दम था उसके साथ अपनी निष्ठा चौधरी देवीलाल के प्रति समर्पित करने का काम किया और एक ऐतिहासिक जन सैलाब इस प्रदेश देश की इतिहास के अंदर इस सम्मान दिवस पे लाने का काम किया। और उसके बाद निरंतर टीवी में अखबार में अलग अलग प्रकार की चर्चाएं चल रही है। मैं आप सबसे निवेदन भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एसीटी नेशनल लोकदल परिवार के मुखिया जो भी उनका निर्णय होगा हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। और एक निष्ठावान सिपाही के तौर पर उनके फैसले के स्वागत के साथ साथ उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हम पहले से भी ज्यादा मेहनत कर इस संगठन को एक नई ताकत देंगे। कोई लोग नोटिस की चर्चा कर रहे हैं, अगर कोई नोटिस आएगा तो मुझे आएगा, उसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा। और मैं आप सबसे ये चर्चा बंद करने का आग्रह भी करूंगा कि आज हमें संगठन को मजबूत करना और संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ और मजबूती के साथ कदम बढ़ाने। मैंने परसों जब मैं हिसार जींद करनाल गया तो कई युवा साथियों का हौसला टूटा देखा। मैं एक चीज बोलता हूं और मैंने ये कैथल में भी बात कही थी, चाहे काटे पड़े चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है, दरिया की जीत है नहीं दूंगी। हमने भी तय कर लिया समंदर पार करना है। अपने हौसलों को इतना बुलंद रखो और इतने दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करो कि हम समुद्र पार कर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को चंडीगढ़ ले जाने का काम कर पाए। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब इंडियन नेशनल लोकदल के हिस्सेदार हो, बुजुर्ग भी बैठे हैं, युवा साथी भी है, माताएं बहनें भी है, ये सब एक अभिन्न अंग है और सबकी मेहनत का नतीजा है कि आज ये संगठन 20 सालों में इतना मजबूत बना है कि आज कांग्रेसी भी बीजेपी वाले भी घबरा रहे। लोग जरूर आपको कमजोर करेंगे, दबाएंगे, पर आपने कमजोर नहीं पड़ना। मैं तो आपको एक चीज बोल सकता हूं कि हम सबको मिलकर इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ना है और हम इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहे तो ये मानकर चलना फिर आने वाली सरकार के आप सभी हिस्सेदार होंगे। मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, चक्रव्यूह रचे जाएंगे, ऐतिहासिक तौर पर भी रचे गए। मैं तो जब चुनाव लड़ा था हिसार से उस समय ऐसा चक्रव्यूह रचा गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार में आकर
बीजेपी का गठबंधन अजका के साथ था और अपने तमाम अमले को बिठाकर उनके बीच में ये निर्णय लिया कि किसी तरीके से लोकदल को कमजोर कर दो। कोई कितने चक्रव्यूह रचने का काम करे, जरूर महाभारत में तो अर्जुन को दूर रखा गया था, आज चौटाला साहब को, डॉक्टर साहब को तो जरूर जेल में रखा गया। और मैंने 14 में भी एक चीज कही थी, जब तक मेरे दादे चाचे ताऊ खड़े हैं घबराने का काम मैं भी नहीं करूंगा। चक्रव्यूह को तोड़ने का काम तो आप सब करोगे और आप इसी तरह लड़ते रहे तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, हम सब मिलकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कंधों को एक नई ताकत देने का काम करेंगे। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि हमें कोई भी कदम, कोई भी बात ऐसी नहीं कहनी जो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों के दुख देने का काम करेगी। हमारे सबके सम्मानित बुजुर्ग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, और जो भी निर्णय लेंगे हम सबको उस निर्णय का स्वागत करना पड़ेगा। मैं तमाम साथियों से यही निवेदन करता हूं, आप सब आए, मैं हमेशा आपका आभारी हूं, मगर एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर मेरा हौसला है तो वो सब आपकी वजह से है।